ओके जी, तो आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर बेसिक जो हमारी मार्कशीट बनती है वो किस तरह से बनती है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको डेकोरेट करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेटिंग नहीं आती इसकी। सही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन कुछ नंबर ऑफ सेल्स को मर्ज करना है, लेकिन मर्जिंग वाले कॉलम को मैं अभी नहीं कर रहा, मर्ज मैं बाद में कर लूंगा, मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पे आके मुझे लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद बच्चे का नाम आएगा, फिर जो सब्जेक्ट है मैं वो लिख दूंगा, सपोज सब्जेक्ट वन। ये लिखने के बाद आपने सिर्फ क्या करना है, इसको इस कॉर्नर से लेकर क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है, तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट वन के साथ यानी वन के अंदर इंक्रीमेंट करता जाएगा और ये सारी चीजें इज खुद ब खुद आ जाएंगे। सही है, और आपने सिलेक्ट करना है सारे कॉलम को ताकि आप एडजस्ट करो, फिर किसी भी कॉलम के बीच की जो लाइन है उसको डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये अपनी जितनी भी स्पेस इनको रिक्वायर होगी वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। सही है, उसके बाद यहां पे आके सीरियल नंबर वन लिखो, इसको यहां से कॉर्नर से खींचो, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इसकी वन की इंक्रीमेंट करता रहेगा। सही है, फिर बच्चों के नाम इसी तरह से लिख दो, स्टूडेंट वन। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से आके ड्रैग करूंगा, अब कंट्रोल को प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट आपको सिर्फ ड्रैग कर देना है, ऑटोमेटिक वन की इंक्रीमेंट ये करता जाएगा। सही है, कि टेक्स्ट के साथ अगर नंबर है तो आपको कंट्रोल के साथ ड्रैग नहीं करना, डायरेक्ट ड्रैग कर लेना कॉर्नर से पकड़ के जब एरो चेंज हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट्स के मार्क्स अभी जो है कुछ डमी दे दो पहले वाले कॉलम्स के अंदर, उनके बाद इनको ड्रैगिंग करवा दीजिएगा। सही है, अब मैं क्या करूंगा, पहले कॉलम को यहां से कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा नीचे, फिर यहां से भी इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, यहां से भी कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, और यहां से भी कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो चारों सब्जेक्ट्स की कुछ डमी जो वैल्यूज है मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद यहां पे आएंगे टोटल मार्क्स। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स होंगी, चार सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, तो मैं अभी 400 लिख दूंगा, और इसको सिलेक्ट करने के साथ नीचे शिफ्ट के साथ बॉटम एरो सिलेक्ट करके नीचे लाऊंगा और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दूंगा, तो ये बाकी की जो सेल्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगी, उनमें 400 की वैल्यू डुप्लीकेट हो जाएगी। सही, उसके बाद यहां पे मुझे चाहिए ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, इसके लिए हम ऑलरेडी सम का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां पे लगाऊंगा इज इक्वल टू एस यू एम, सम लगा दिया। सम लगाने के बाद मैं इसको रेंज बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस बच्चे के जो मुझे जमा करने हैं या जिनकी ऑप्टेन मार्क्स लेनी है, तो मैंने सब्जेक्ट वन से लेकर सब्जेक्ट फोर तक जितनी भी जो है सब्जेक्ट्स की ऑप्टेन मार्क्स थी वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दी है, सम फार्मूला उनको जोड़ देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, अब जैसे आप ये वैल्यू डुप्लीकेट कर रहे थे बाकी सेल्स के अंदर, इसी तरह से फार्मूला भी कॉपी या डुप्लीकेट होता है, तो इसको सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ नीचे लेके आओ और कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दो, तो फार्मूला भी डुप्लीकेट हो जाएगा बाकी के सेल्स के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर, इसी तरह से अगर आपको परसेंटेज मालूम करनी है, तो बेटा वैसे तो परसेंटेज का फार्मूला सिंपल होता है कि आप यहां आए इजिकल लिखें, सही है, और ऑप्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दें टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, ये फार्मूला होता है। सही है, लेकिन परसेंटेज की सिंबल नहीं आती, परसेंटेज की सिंबल नहीं आती, तो परसेंटेज की सिंबल आप कुछ इस तरह से देंगे कि यहां पे आके आपने सबसे पहले तो लिखना है कि हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं, और परसेंटेज मालूम करते वक्त, अच्छा अब मुझे यहां पे पता है कि इन नंबर ऑफ सेल्स के अंदर मैं परसेंटेज मालूम करूंगा, तो इनको सिलेक्ट करें, यहां पे देखें नंबर ग्रुप के अंदर एक जनरल सिलेक्टेड है कि इन सेल्स के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, नंबर होंगे तो नंबर की तरह बिहेव करेंगे, तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये परसेंटेज की वैल्यू आने वाली है इसके अंदर। सही है, तो सिलेक्ट स्पेसिफिक एरिया, गो टू नंबर्स ग्रुप एंड सिलेक्ट अ परसेंटेज,
उसके बाद क्या करो, यहां आओ इज इक्वल टू लिखो, फिर सिर्फ आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना जो फॉर्मूले में था, बाकी क्या करना है कि जो ऑब्टेन मार्क्स थी उनको डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स के साथ, दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा परसेंटेज ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाइड है, सही है। जैसे आप एंटर करेंगे तो अब ये फायदा मिलेगा कि परसेंटेज की सिंबल भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आप यहां से आके इनको सिलेक्ट करके नीचे तक फिर से बाकी रिकॉर्ड्स के लिए भी डुप्लीकेट कर देंगे, तो हमने परसेंटेज भी मालूम कर ली है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक। अब मुझे ये मालूम करना है कि ये जो बच्चा है ये पास है या फेल है ना। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, क्योंकि बेटा देखें आपकी परसेंटेज अगर 90 है तो आप पास नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके तीन सब्जेक्ट के अंदर आपने 100-100 उठाया हो और एक सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो, ठीक है, तो आप फेल ही कहलाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूं सिर्फ इफ कंडीशन को समझाने के लिए कि हम अगर किसी भी बच्चे की मार्क्स 50 से ऊपर परसेंटेज है तो हम उसको पास दिखा देंगे, सही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किसी बच्चे की जो है वो कोई भी सब्जेक्ट की मार्क्स 50 से कम है तो उसको फेल दिखा देंगे। अभी परसेंटेज के हिसाब से पास और फेल डिस्क्राइब करेंगे अभी, यानी हम क्या करेंगे के परसेंटेज के हिसाब से बच्चे को पास और फेल दिखाएंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, अगर सारे सब्जेक्ट उसके पास हैं तो हम पास दिखाएंगे, वरना उसको फेल दिखा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। तो अभी मैं इसको रिजल्ट जो है वो किस तरह से दिखाऊंगा, यहां आएंगे इसको लिखेंगे यहां पे इफ कंडीशन, और फिर चेक करवाएंगे कि अगर बच्चे की परसेंटेज क्या है ग्रेटर देन है, क्या ग्रेटर देन है 50 के, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्या बताओ आपने बताना है कि वो पास है, वरना आपने क्या बताना है कि वो फेल है, इतना सा काम। फिर आप एंटर करेंगे तो आपको बता रहा है ये फेल है। क्यों फेल बता रहा है, क्योंकि आपने परसेंटेज की सिंबल अब नहीं दी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि परसेंटेज यानी 100 जुड़ रहा है उसके साथ, ऐसे ही है ना, सिंबल ना देना यानी 100 वैल्यू नहीं देना, सही है। इस तरह से अब आपको बताएगा पास है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है सिलेक्ट करके इसको नीचे लाना है और कंट्रोल प्लस डी कर देना है, तो इससे ये होगा कि बाकी के जो सेल हैं उन सब पे यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ये होता है कि मैं यहां से आके इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो मैं कम दे देता हूं 32 32, जैसे ही आप देखें यहां से 50% से बच्चे के मार्क्स या परसेंटेज कम होगी ऑटोमेटिकली वो बच्चा फेल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देखे वो बच्चा फेल हो गया क्योंकि उसकी परसेंटेज अब कितनी है 46 point something, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सिंपली वी हैव अप्लाइड अ फॉर्मूला दैट व्हिच इज चेकिंग कि कौन से बच्चे की कितनी परसेंटेज है और परसेंटेज के हिसाब से पास और फेल बता रहा है, सही है। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन से बच्चे के सारे सब्जेक्ट अगर पास हैं यानी मोर देन 50 मार्क्स हैं तो बच्चा पास होगा, वरना वो पास नहीं होगा। आंसर क्लियर, ठीक है। तो मैं यहां से आके क्या करूंगा, अब इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी अप्लाई कर देते हैं। तो पहले के जितने भी सेल हैं यानी इस रो के सिलेक्ट करेंगे, उनको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहां पर लिख देंगे मार्कशीट, मार्कशीट। फिर हमें क्या करना है, ये जो सेल वन रो और रो टू के बीच में एक लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे और यहां पे आके इसको मिडिल में दिखा देंगे, इसको बोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देंगे इस तरह से, सही है। अगर आप चाहते हैं इस पे फॉन्ट का चलें कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आप यहां से कोई कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। यानी हम क्या कर रहे हैं सेल की कोई स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। फिर मैं इसको यहां से आके बोल्ड फिर से और फॉन्ट की साइज बढ़ा देंगे
अगेन वी हैव टू वर्क ऑन सच काइंड ऑफ हेडिंग्स, जो हमारी हेडिंग है उनको भी कोई कंट्रास्ट यहां से हम अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, सेल स्टाइल्स के अंदर, और यहां से आके मैं कोई भी कलर चूज करके अप्लाई करवा दूंगा। देखिए मैंने कर लिया है और मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूं, तो सारी की सारी मार्कशीट का डेटा सिलेक्ट करेंगे, उसको मिडिल और सेंटर कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, और इन सब के ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से आके ऑल बॉर्डर्स, तो हमारी सिंपल मार्कशीट जो मोस्टली बच्चे बना रहे होते हैं वो इस तरह से बन रही होती है, ठीक है। लेकिन इसको हम और कॉम्प्लेक्स करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स, राइट। ओके जी, ये थी मार्कशीट, एक बेसिक मार्कशीट, ग्रेड्स वगैरह भी मालूम करेंगे बाद में।